क्या उम्र है मिस्टर ईशान? मेरी सर अभी 20 है, 22। 20 साल की है। और आपने किस चीज की शिक्षा ले रहे हैं आप? मैं अभी BBA LLB कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। बीबी? BBA LLB। अच्छा, BBA LLB जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके, तो इट इज बीइंग डन फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, यस सर, फ्रॉम प्रेस्टीज। फ्रॉम प्रेस्टीज। ओके ओके, हाउ इज द प्रेस्टीज? प्रेस्टीज बढ़िया है सर, कैसा है? अभी बढ़िया है सर। वहाँ पे चेंजेस चल रहे हैं, मतलब लॉ में उनका नया है ये ब्रांच, अभी डिपार्टमेंट उन्होंने नया खोला है। ज़्यादा अभी पास आउट नहीं हुए वहाँ से बैचेस, हमारी दूसरी ही बैच है। आपके एचओडी से मेरी बात कराना, ठीक जी सर, है ना? हम जी ये सर, जी चाहेंगे कि प्रेस्टीज के बच्चे कुछ ड्राफ्ट कानून बनाएं जो जी बाद में भारत सरकार पास करेगी, राइट? जी सर, बिल्कुल जी सर। तो आपके जो हेड हैं, जी लॉ सर, के हेड हैं, उनसे बात कराइएगा कि मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर DGP साहब आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? तो जी सर, जी सर, इसी बिल्कुल नंबर पे मुझसे बात कराइएगा। उनका नंबर पहले से मुझे भेज देना और बता देना कि साहब मैं बात करा रहा हूँ, तो फोन ठीक उठ है जाएगा, ठीक है? अच्छा, जी सर। तो आप अपराध मुक्त भारत से इसलिए जुड़े हैं कि आपके पिताजी ने जोड़ा है या आपने कुछ समझा है? मुझे पापा ने बोला भी था कि, मतलब उनने मेरे को बोला था कि आपसे बात भी करना है, कल ही उनने मुझे बताया इसके बारे में। तो मैं अभी एक ऐड हुआ था कल शाम को ही शायद, अच्छा, तो मैंने ग्रुप भी थोड़ा देखा, उसके जो मिशन वगैरह है, आपके जो मिशन है वो भी मुझे हाँ अच्छे लगे। मैं थोड़ा कम्युनिटी में आना भी चाहता हूँ, क्योंकि अपना लॉ का सब्जेक्ट है, तो थोड़ा अगर अपन देंगे, जैसे मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, तो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग उन लॉ के बारे में, तो उन्हें बहुत क्या बोल सकते हैं कि मूर्ख बना दिया जाता है, या फिर उन्हें लूट लिया जाता है। तो मैं उसके थोड़ा खिलाफ हूँ कि अगर अपने पास ये पावर है तो अपन उसका थोड़ा सही इस्तेमाल करें। बेटे ईशान, जी सर, इस देश के नेताओं ने भारत की पूरी जनता को ही मूर्ख बना के रखा है पिछले 75 सालों से। हाँ हाँ, सर, ये बात बिल्कुल आपको सही समझ में बात आ है। रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो और ये सो कॉल्ड राजनेता, ये कितने दुष्ट हैं जिनकी ना जी सर, शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दलबदलू भी हैं। तो हाँ आपको नहीं लगता है कि अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है बिल्कुल सर, पूरा भर चुका है अब तो। ना? जी क्योंकि सर, ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जिनने इन्हें हाँ राजनेता बनाया है, जिन हाँ विचारों ने बड़ी शिद्दत से इनके लिए दरियां बिछाई हैं, कुर्सियां लगाई हैं, इनके होर्डिंग्स लगाई हैं, पोस्टर लगाए हैं, इनके जी सर, कहने पे दूसरों के पुतले जलाए हैं, जुलूस निकाले हैं, पुलिस की कई बार लाठियां भी खाई हैं। हाँ ये दुष्ट राजनेता उन्हीं अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके, जो इन्हें ज्यादा पैसा देता है, जो बाहुबली है, जो अपराधी है, जो दल बदलू है, उसको टिकट दे देते हैं। दे हाँ सर, देते कि नहीं दे देते हैं? बिल्कुल दे देते हैं सर। और इन्होंने इतनी दुष्टता करके रखी है कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून जो है आज भी आपके ऊपर आज थोपे हुए तक हैं। चल रहे हैं, थोपे हाँ हुए हैं कि नहीं थोपे हुए हैं? तो बिल्कुल चुप हुआ है सर। अच्छे राजनेताओं को गुलामों वाले नियम कानून जारी रखना चाहिए या उन्हें आमूल चूल बदलना चाहिए? अच्छा, पूरा बदलना पड़ेगा सर इसको। दूसरी बात, जो व्यवस्था है जिसके जी सर, तहत प्रशासन चलाया जाता है, तो चंद छुट्टी चुटकी भर जो है अंग्रेज भारतीय अधिकारियों का दुरुपयोग करके भारत पर शासन कर पाए कि नहीं कर पाए? तो कर पाए, कर पाए। उन्होंने वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोप के रखी है। तो ये जो व्यवस्था है, ये बादशाही है और आप गुलाम हो गए हैं। बस अंतर इतना है कि आप वोट देने वाले गुलाम हैं
और यदि आप वोट देने वाले गुलाम हैं तो आपको गरीब रखना जरूरी है, आपको दारूखोर बनाना जरूरी है, जिससे आपको दारू, आपको पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर आपके वोट को खरीदा जा सके और आपको मूर्ख बना के रखा जा सके। ये है बिल्कुल कि सही नहीं है? बात है सर, सही बात है सर। क्या आपको अपराध मुक्त भारत के 21 उद्देश्य को समझने का मौका मिला है? अच्छा, जी बिल्कुल मिला ना सर। तो उस देखिए वो कितने पवित्र 21 उद्देश्य हैं कि हर जी व्यक्ति का जिंदगी बदल जाएगा, हर व्यक्ति का एहसास बदल जाएगा। भारत जो है, जहाँ एक ओर टैक्स फ्री हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, वहीं डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा राशि अवेलेबल होगी और हाँ ये सर, पेपर करेंसी है, ये विलोपित हो जाएगी। तो आप बताइए मुझे, क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है? नहीं है सर, क्या कोई हवाला संभव है? नहीं। क्या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, नक्सल गैंग हैं, ये पेपर करेंसी के अभाव में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उसका वो देना पड़ेगा उनको, कहाँ से आया है ये, ट्रैक होएगा पूरा वो। हाँ, तो हम बड़ी आसानी से ये सब कर पाएंगे। और क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो और आयुष मॉड्यूल मॉडल है, जो कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर रहा है, और भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा, तो ये भारत कितना अच्छा भारत होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा इसे तो। वापस सोने का चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनेगा। चिड़िया तो बिल्कुल बेचारी छोटी होती है, सही सोने बात है सर, के हाथियों का झुंड बनेगा। झुंड बनेगा। इतना इतनी समृद्धि होगी, भारत में कोई गरीब जी नहीं रह पाएगा। तो आप जो है, अब जी सर, सभी लोगों को जोड़ने के उसमें लग जाइए। इसमें एक बिल्कुल सर, सदस्यी संकल्प है और दूसरा चंद्रगुप्ती संकल्प है, वो दोनों आपने पढ़ लिए हैं क्या? नहीं अभी नहीं पढ़े सर। तो उसको बहुत सारे वीडियोज में समझाया गया है, आप उन जी सर, वीडियोज को देखिए, और जी यदि सर, कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल अब इसी से जो है ना, भिड़िए और अपने लिए जी, सोचिए कि आप जो है पर्दे के पीछे अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य संकल्प से सदस्य के रूप में पर्दे के पीछे काम करना चाहते हैं या सामने आके चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहते हैं। राइट, जी सर, ये बिल्कुल निर्णय भारत के हर नागरिक को लेना होगा। राइट, तो जी जी सर, आप भी सोच लीजिए और जिस तरीके से आपका फिर मन बनता है वैसा जी सर, संकल्प पत्र भरिए, और सदस्य हो तो सदस्य की तरीके से कार्रवाई करिए, और यदि दूसरा हो तो उससे कार्रवाई करिए। ठीक है, चलिए, जी सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट ईशान, गॉड ब्लेस थैंक यू यू, सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।